इतने कंजूस है। नेक्स्ट सीजन हम घाव, बड़े जोर से बोलो साधु जी। अब लगा कि जो है जबलपुर के पगला बैठे हैं। कैसे हो? बढ़िया, आनंद में। आखिरकार चर्चा चलते चलते मां नर्मदा मैया ने इस पगला को बुलाई ही लिया। बड़ी कृपा मां नर्मदा मैया की, धन्य भाग्य हमारे कि हमको 7 दिन तक मां नर्मदा मैया की गोद में विराजने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा और जो भी टूटी फूटी वाणी है उससे सेवा करने का मौका मिला। जबलपुर एक ऐसा नगर है जहां भक्ति की गंगा बहती ही रहती है नर्मदा की भांति। कभी कोई महापुरुष तो कभी कोई महापुरुष तो कभी कोई महापुरुष यहां पर लुटाने चला ही आता। भक्ति का रस तो साफ लुटाया जाता है। धन्य है इस कथा में, वैसे तो पूरा पनागर और पूरा जबलपुर इस कथा का यजमान है, लेकिन मुख्य रूप से जो भूमिका हमारे अति प्रिय इंदु तिवारी जी और उनके दोनों सुपुत्रों ने इसमें निभाई है और सतेंद्र जी ने निभाई है, वो अति सराहनीय है। आपने लगकर भगवान बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करके 2024 की तारीख 23 में निकलवा दी। हाँ, ये कथा जो है 24 में होनी थी, इस तारीख की कोई और कथा थी कहीं अगली जगह, पर वाह धन्य है इनका पुरुषार्थ, इनका भगवान के प्रति प्रेम। और हमें तो लगता है बालाजी ने हमको भेजा ही है, जाओ भाई सबको राम रस में डुबा करके आओ। तो यहां आकर हम बड़े आनंदित हैं, बहुत ही प्रसन्नचित हैं। 7 दिन तक, वैसे तो आपने कहा था, तिवारी जी ने कहा था, गुरुजी राम कथा 9 दिन की सुनाओ। अब कब राम कथा से भागवत हो गई हमें खुद नहीं पता। सच बता रहे, हम तो राम ही कथा के भरोसे चले थे। हमें रस्ते में खबर आई, हमने कहा भाई होना क्या है, तब रस्ते में बताया महाराज जी भागवत होनी। एक दिन बीच में ही, रस्ते में क्या, एक दिन बीच में ही ऐसी चर्चा चली, कार्ड लेकर जब आए तब चर्चा चली, तब याद आया कि राम कथा से भागवत होगी। लेकिन इस बार की हम भागवत कथा में 7 दिन तक एक नया प्रयोग करेंगे। भगवान राम जी, भगवान ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया जी, इन दोनों में क्या समानता है और क्या विपरीतता है, इन दोनों चरित्रों को हम 7 दिन तक सुनाएंगे। भागवत तो सुनाएंगे ही, हमारे रघुनाथ जी कितने सरल हैं और ठाकुर जी कितने चपल हैं, राम जी कितने सूधे और हमारो कन्हैया कितनों टेढ़ो, इसका आप आनंद लेंगे तो आपका हृदय एकदम भर जाएगा। और हमारी कोई वाणी नहीं है, ये तो हनुमान जी की वाणी की जो प्रेरणा लगेगी, हम तो माध्यम है, माइक बनकर बोलेंगे, बुलाने वाले तो बालाजी बैठे हैं और वो जो भी बुलवाएंगे। एक बात याद रखना, क्रोध में मत जीना, बोध में जियोगे तो तुम जो भी बोलोगे वो सत्य निकलेगा। इंसान घाटा बेहोशी में खाता, बेहोशी भी नहीं खुमारी में। बेहोश कोई हो जाए तो उसे तो कोई खबर ही नहीं, शांत अचेत पड़ गया। पर एक स्थिति ऐसी होती है कि थोड़ा होश और थोड़ा बेहोश, मध्य की स्थिति, न ज्यादा बेहोश न ज्यादा होश, इस मध्य की स्थिति में जो गलती होती है वो बहुत बुरी होती है। इसलिए हमारे बुद्ध पुरुषों ने एक बात कही, हमारे साधु पुरुष कहते हैं महाराज जागते रहो, जोश में नहीं हंस में जियो। ज्यादातर मानव
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस दुनिया के 98% लोग बेहोशी में जिंदगी जीते, मदहोशी में, उन्हें एक होश ही नहीं, जिए जा रहे, कमाए जा रहे, बिल्डिंगें बनाए जा रहे, गाड़ियां खरीदे जा रहे, कपड़े ढेर लगे हैं, फिर भी नई साड़ी पर नजर, फिर भी नई डिजाइन पर नजर, जिए जा रहे। और एक दिन कब पत्ता कट गया, कब हो गया राम नाम, पता ही नहीं लगा। फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। साधु पुरुष कहते फिर पछताने से भी क्या, जब चिड़िया खेत चुग गई तो फिर पछताने से क्या। इसलिए मेरे माई बाप, मेरे पागलो, तुम हमारी आत्मा हो, एक काम करो, आओ, जितना मदहोशी में जीवन जी लिया सो जी लिया, अब आज के बाद जाग कर राम और कृष्ण मय जीवन जीना प्रारंभ करें।